तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड 2 चैप्टर 13 साउंड का। तो हमने बहुत कुछ पहले एपिसोड ने पढ़ लिया है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। जाओ उसको पहले देख लो, तभी इस पे आओ। अभी जाओ, बैक हो जाओ, पहले वाले को देखो, फिर सेकंड पे आओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो, चैप्टर 13 साउंड, क्लास 8 का है, इतना तो पता ही होगा, थंबनेल देख कर ही आए हो। तो आज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले एम्पलीट्यूड। ये पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा अच्छे से बताया गया है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, तो इसलिए बोला गया उसको जाके देखो। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है, अभी भी जा सकते हो, बैक हो जाओ और जाओ उसको पहले देखो। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, भाई कहाँ से ढूंढोगे, चैनल में ढूंढोगे और कहाँ ढूंढोगे। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, ये किसके लिए पढ़ने वाले हम लोग? वाइब्रेशन के लिए, ऑफ अ वाइब्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी यार। तो हमने पिछले वाले में एग्जांपल लिया था स्पून का, इसमें मानेंगे एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। तो उसका जो पेंडुलम होता है, जो ऐसे ऐसे होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यार वो एक सेकंड में कितने बार ऐसे 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 हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन क्या है, ये एक बार टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ, एक बार की मतलब एक वाइब्रेशन, ठीक है। तो वैसे ही एक सेकंड में वो पेंडुलम कितनी बार ट्यों 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 कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो लिख लो, एक बार लिख लो। तो सबसे पहले देखते हैं, एक टू एंड फ्रो मोशन की बात कर लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, समझ जाओगे, टेंशन मत लो। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का ही होगा ना यार, टू एंड फ्रो मोशन, कोई ऑब्जेक्ट ही आगे पीछे करेगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये जो मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो, नहीं दिस मोशन, एक मोशन है ना आगे पीछे होना, तो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। क्या? ऑस्किलेट करना, ऑस्किलेटरी मोशन, यहां मोशन लिखा है, ठीक है। तो छोटा होगा तो समझ जाना मोशन। पहले इसको लिखो, फिर फ्रीक्वेंसी, तभी समझ में आएगा। अगर ये नहीं आया तो वो भी नहीं आएगा। तो टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, मतलब उसका मतलब भी एक ही है, पिछले एपिसोड में सब बताया गया है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन, है ना। अगर ये मोशन कोई बॉडी करते है, अगर मेरा हाथ ऐसे ऐसे हुआ, मतलब मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, अगर ला 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 ऐसे लगातार होता रहता है, मतलब वाइब्रेशंस हो रहे हैं बहुत सारे, मतलब जब एक बार ऐसे करता है तो वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन बोलते हैं। और इसी मोशन को, जो मोशन हो रहा है आगे पीछे, टू एंड फ्रो, इसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑस्किलेट करना मतलब घूमना, चलना, ऑस्किलेट करना मतलब अपने ही मेन पोजिशन से आगे पीछे होना, समझ गए? इसको लिख लो एक बार, लिख लो, ये आना चाहिए, ये जरूरी है। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना। लिख लिया होगा अभी तक आपने, तो हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। नीचे ही लिख देता हूं ना, नीचे ही, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, मतलब वही वाइब्रेशंस, ऑस्किलेशंस पर सेकेंड, इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ऑस्किलेशन हो रहा है इसी को बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन को ही ऑस्किलेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। अरे एक ही चीज है, नाम बहुत सारे हैं। जैसे तुम्हारा भी नाम, घर में कौन सा नाम है? गुड्डू, स्कूल में राजेश। तो ऐसे इसका ही बहुत से नाम होते हैं, सबके बहुत से नाम हैं, लेकिन मेरा एक ही है, शशांक तिवारी। और क्या? तो ये जो मोशन 1 सेकंड में, देखो अगर ये पेंडुलम क्लॉक जो है 1 सेकंड में अगर एक बार कर रहा है और आगे देखने वाला है, इसी को तो हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब बताएंगे सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, अगर पेंडुलम 1 सेकंड में कितने बार ऑस्किलेट कर रहा है, कितने बार पेंडुलम ऐसे 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 मार रहा है 1 सेकंड में, पर सेकंड, मतलब पर सेकंड नहीं 1 सेकंड, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो यार फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या, कहाँ से आया फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंट, कितना फ्रीक्वेंट कोई चीज है, मैं कितना फ्रीक्वेंट मेरी बंदी से मिलता हूं। अब समझोगे, अब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं अपनी बंदी से अगर एक दिन में 10 बार मिलता हूं, बहुत ज्यादा है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 10 है, मैं 10 बार एक दिन में 10 बार, वैसे ही 1 सेकंड में कितनी बार वो पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वैसे मेरी भी फ्रीक्वेंसी है, कितना मैं फ्रीक्वेंट, कितने बार अपनी बंदी से मिल रहा हूं, 10 बार एग्जाम्पल है, समझ गए? इसको उतार लो अपनी नोटबुक में, समझ गए? इसके बाद हम देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है। जैसे हम जब मार्क, लिखो लिखो, लिखते लिखते सुनो, जब हम मार्केट से आलू खरीदते हैं, कि क्या बोलते हैं भाई, 1 1 किलो आलू चाहिए, प्याज खरीदते हैं 2 किलो प्याज चाहिए, ऐसे वैसे ही जब बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ऐसे वो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं 1 किलो फ्रीक्वेंसी है, नहीं। जैसे हम बात करते हैं पानी की, तो बोलते हैं 1 लीटर पानी, तो सबके लिए अपनी अपनी यूनिट्स होती है ना, वैसे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। मैं रफ करके लिखता हूँ, ला 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 ला, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिंदी में। मेरा ग्लव्स मिल गया था, बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, तुमने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि मेरा ग्लव्स नहीं मिल रहा, पिछला चैप्टर भी खत्म कर दिया फ्रिक्शन, और हाँ उसके पहले वाला, अरे तुमने देखा है कि नहीं यार, साउंड से पहले वाले भी देख लिया करो, फ्रिक्शन है, उसके पहले भी एक पढ़ाया था फोर्सेस है शायद, उसमें फोर्स की बात होती है, बहुत सारी फोर्सेस है, नाम याद नहीं यार, छोड़ो अभी, यहाँ पे ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी तो हमने देख लिया क्या है, फ्रीक्वेंसी, जैसे हम मार्केट से जब आलू खरीदते हैं क्या बोलते हैं, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, तो ये किलो जो है ना, केजी, केजी किलोग्राम, ये इसकी यूनिट है, इसकी वेट की, इसका वेट इतना है, ठीक है? अब वैसे ही जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, समझाने के लिए लिखा था, लिख मत लेना, चाहो तो लिख लो, उसमें क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के हम लोग, इसकी यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, यूनिट मतलब वही, समझ गया ना, किलो वाली इसकी है हर्ट्ज, HERTZ, इसको लिखते हैं हर्टज, है हर्टज लग रहा हो, लेकिन हर्ट्ज बोलते हैं, ये ब्रैकेट है इसके अंदर, मैं इसका सिंबल भी लिख देता हूं HZ, अपनी नोटबुक में लिखो। मैं क्यों बोलता हूँ नोटबुक में लिखो, पन्ने में लिखो कि पन्ना गुम हो जाएगा और ले आ जाओगे एग्जाम के दिन, तो ले आना नहीं है ना, ये तो वही बात हो गई, बंदी से मिलना था, डेट था, 1 महीने से मैंने प्लानिंग की, ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, लास्ट में पता चला पैंट पहनना भूल गया और वहां पहुंच गए। तो उसी टाइप का है कुछ, लिख लिया होगा ना, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं पेंडुलम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी बताया क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैं अपने अंदाज में, कि मैं अपनी बंदी से एक दिन में 10 बार मिल रहा हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 10 है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट भी पता है हमको, हमने से 1 किलो आलू की बात की, ऐसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 10 हर्ट्ज, मैं एक दिन में 10 बार मिल रहा हूं, लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं मैं एक दिन में 5 बार मिल रहा हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब तो क्लियर है भाई, अब मत बता, मंदी से मिलने की बात हो गई, सब आ गया। तो अगर मैं 5 बार मिलता हूं 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 1 बार मिलता हूं दिन में तो 1 हर्ट्ज, समझ में आ रहा है, कुछ 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 क्लियर हो रहा है, बस अब मैं लिखूंगा समझ जाओगे, ठीक है? इसलिए मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देता हूं। तो अ फ्रीक्वेंसी, एक लाइन है देख लेना, अ
फ्रीक्वेंसी, अगर एग्जाम में पूछता है अगर एक फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, उसका मीनिंग क्या है? अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, HZ, लिखते HZ कैपिटल है लेकिन उसका स्पेलिंग HERTZ, स्टार्टिंग वाला H स्मॉल है, फुल स्पेलिंग में बात करें तो ध्यान दे देना इसको एक बार, समझ गए ना? अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज, इसका मतलब क्या है? एक बार सोचो एक बार, मैं बंदी से कितने बार मिल रहा हूँ दिन में? एक बार मिल रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1, 10 बार मिल रहा हूँ तो 10। वैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है इस 1 ऑस्किलेशन, हम पेंडुलम में ऑस्किलेशन की बात करते हैं ना, वाइब्रेशन, ऑस्किलेट कर रहा है, ऑस्किलेटरी मोशन वाला, 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड, हम इस यहाँ पे पर सेकेंड में बात कर रहे हैं। वो भी समझ जाओगे क्यों कर रहे हैं, वो भी सब समझ जाओगे यार, आगे हम टाइम पीरियड देखने वाले हैं ना, समझ जाओगे सब कुछ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ वो लिखो और साथ में यहां देख लेना। हाँ चलो लिखना क्या है बताया था तुमने, तो सब समझ में आ गया एग्जाम्पल से। अगर तुम अपनी बंदी से दिन में 20 बार मिल रहे हो, लड़कियां हैं तो बंदे समझ लें, अगर तुम अपने बंदी या बंदे से दिन में 20 बार मिल रहे हो, मुझसे भी आगे निकल चुके हो, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20, और इसकी यूनिट मत भूलना हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। अगर तुम 50 बार मिल रहे हो, 50 बार तो 50 हर्ट्ज। वैसे ही अगर इस टर्म्स में बात करें, इस टर्म्स में बात करें, इसके टर्म्स में, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स 20 टाइम्स पर सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पेंडुलम क्लॉक का ही मान लो, अगर ऑस्किलेट कर रहा है 20 बार 1 सेकेंड में, यहां पर सेकेंड में बात चलती है, हमारा बात दिन में हो रहा था, यहां सेकेंड में होता है, तो अगर 20 बार कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? 20 हर्ट्स। वैसे ही कोई कोई ऑब्जेक्ट, कोई पेंडुलम, एग्जाम्पल माना है, कोई पेंडुलम अगर 5 बार ऑस्किलेट कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 5 हर्ट्स। सब क्लियर है भाई, सब क्लियर है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिया कर, सब समझ में आता है। हाँ आएगा क्यों नहीं, आना भी चाहिए। हाँ तो अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, और क्या जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, क्या जानना है बता दो अब। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, तो ठीक है चले आएंगे, उसमें क्या है। तो अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड। TIME, टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड क्या है। अब मैं जो अपनी बंदी, मैं कभी घर से निकलता हूं, अभी लॉकडाउन है यार, अब इसको सोचना एक बार, माइंड में रिलेट करना, मैं अपने घर से बंदी के घर पे गया और वहां से अपने घर आया, एक बार गया, एक बार गया। अब मुझे एक बार जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? मान लो 2 घंटा लगा, दूर रहती है, मेरे घर के बाजू में तो नहीं है, दूर रहती है, 2 घंटे लगे एक बार जाके आने में, तो एक बार जब मैं जाके आता हूं तो 2 घंटे लगते हैं, मतलब मेरा टाइम पीरियड 2 घंटा है। तो यहां पे बात एक बार की होती है, मैं भले 20 बार जाऊं, 50 बार जाऊं, लेकिन एक बार जाने में समय कितना लगा? 2 घंटा। तो एक बार की बात करें तो 2 घंटा, तो मेरा टाइम पीरियड क्या हुआ? 2 घंटा। सिंपल, अब मैं लिखूंगा समझ जाओगे, इसलिए ऐसे एग्जांपल्स जरूरी होते हैं। टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1, एक बार की बात है, 1 ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आ गया? एक बार की बात होती है यहां पे, बस एक बार की। टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लिया ऑब्जेक्ट ने टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन, एक बार, सिर्फ एक बार की बात होती है तो टाइम टाइम पीरियड। जो कोई पेंडुलम होता है, लिख लो और क्या, पॉज करके लिखो, पेंडुलम जब ऐसे 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 ऑस्किलेट करता है, लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी है इसकी, 50 बार कर रहे 1 सेकंड में,
ना वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन यहाँ अगर हम टाइम पीरियड बोले उस पेंडुलम की, तो ऐसे है पेंडुलम, ऐसे आया फिर ऐसे आ गया। तो एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, एक बार जाने में आने में कितना समय लगा, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। अब आगे बढ़ते हैं यार, समझ में तो आ ही गया होगा। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो मैंने पिछले एपिसोड में बहुत गहराई से, बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर, खुद ही चम्मच को हिला हिला कर, हाँ हिला हिला कर समझाया है। लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लेना, इसके बाद अब इतना आगे आ चुके हो, इसको ही पूरा देख लो, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा तुमको एक बार एम्पलीट्यूड, लेकिन अगर समझ में ना आए तो पिछले एपिसोड में चले जाना, पूरा एपिसोड देख लेना, और क्या, सब समझ में आ जाएगा। तो लिख लो पॉज करके, फिर समझाए दो, लिख लिया होगा अभी तक तो। हाँ तो ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम है जो वो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो जब पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो 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 देखो, ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, ऊपर घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, और नीचे पेंडुलम लगा है। जब ये ऑस्किलेट करता है ना, ऐसे ऐसे ये मोशन चलता है, तो एक साइड की बात करो, यहां से यहां तक मैक्सिमम, ये तो यहां यहां करते वक्त यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, इसी पाथ से, इसी रास्ते से होते हुए जब मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना दूर गया, उसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस, और ये भी एम्पलीट्यूड ही है इस साइड का। देखो यार, वाइब्रेट करता है तो इधर और इधर इक्वल डिस्टेंस पे आता है, इसलिए ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, सिंपल सिंपल, समझ में आ गया, लिख लो, बना लो डायग्राम, और क्या, यहाँ पे लिख लेना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दोनों, ठीक है, वरना पिछले एपिसोड देख लो, और क्या, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। फिर हम यहाँ बढ़ेंगे लाउडनेस एंड पिच पे, अगर एम्पलीट्यूड नहीं आएगा तो यार ये नहीं आ सकता है, अभी मैं प्लीज बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, अगर इसमें भी नहीं आया तो प्लीज प्लीज पिछला एपिसोड देख लो। एम्पलीट्यूड, मैंने एक बॉक्स लिया है, इसमें मैंने एक थर्माकोल का, मतलब मान लो एक बॉल ले लिया, छोटा वाला नहीं, एक बॉल बनाया मैंने थर्माकोल का, इसको इसमें रख दिया सबसे नीचे, और मैंने एक डंडा लिया, फिर कुछ भी लिया, इसे मैं उसको मार सकूं उस डब्बे को, तो मैंने ऐसे रख लिया, टिन का डब्बा लिया, टिन का, और उसमें ऐसे रख दिया थर्माकोल बॉल। अब मैं इस पे अगर बीट करता हूँ, टिट 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 मारता हूँ, तो ऐसा भी होगा कि ये बॉल यहाँ पे आएगा, कभी कभी इतना ऊपर आए, कभी यहां तक आए, कभी यहां तक आए, कभी बहुत जोर से मारो तो यहां तक पहुंच जाए ये बॉल, है ना। तो मैं एम्पलीट्यूड किसको बोलूंगा, यहां तक आए तब, यहां तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल वाई सॉरी व्हाइल वाइब्रेटिंग और ऑस्किलेटिंग, एक ही मतलब है, वाइब्रेशन ऑस्किलेशन एक ही बात है। तो मैक्सिमम यहां वाला, यहां से यहां तक आया, इसको मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ठीक है, लिख लेना, इसको बोलूंगा एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं पता तो भी पिछला एपिसोड देखो, क्या कर सकते हो और क्या करोगे यार। तो ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, चलो समझ जाओ, और क्या। अब हम, इंपॉर्टेंट था, अब हम लाउडनेस की बात करेंगे, लाउडनेस एंड पिच, पहले लाउडनेस, तो मैं लिखता हूं फिर बताता हूं, लाउडनेस ऑफ अ साउंड, साउंड होगा तभी तो उसकी लाउडनेस पता चलेगी, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल, बताऊंगा प्रोपोर्शनल मतलब, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है, लिख लो, फिर बताता हूं ये इसका मतलब क्या है, ठीक है, लिख लो एम्पलीट्यूड, या फिर चलो इतना काफी है, इतना काफी है, वरना एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, थोड़ा लंबा दिया है लेकिन मतलब यही है, मतलब यही है, इसको भी लिख लो यहां पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लिख लो, और यहां पे
प्रोड्यूसिंग, पूरा ही लिख देता हूँ, मैंने सोचा क्यों आ रहा तुरा, प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। इसको एक बार लिखो, लिखो लाउडनेस ऑफ अ साउंड, किसी साउंड का, मैं जो साउंड निकाल रहा हूँ, मेरे से जो मैं साउंड बोल रहा हूँ, साउंड है ना, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल, मतलब संबंध, रिलेशनशिप है, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर, इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, स्क्वेयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड, जहां वाइब्रेशन होगा वही साउंड निकलेगा, वहीं पे लाउडनेस होगा, तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, मतलब बताऊंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्हें लाना। तो मैं अभी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं लाउडनेस को एल लिखूंगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ यार, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। एल मतलब लाउडनेस, ठीक है, और ए मतलब एम्पलीट्यूड, एल मतलब लाउडनेस, ए मतलब एम्पलीट्यूड, ए मतलब एम्पलीट्यूड, एल मतलब लाउडनेस, लाउडनेस, ठीक है। अब देखो एल और ए, मैंने कहा था लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन है, जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे ही मतलब देख लो, टू स्क्वायर, ए तो लिख दिया, अब इसका स्क्वायर ये साइड में लिख लेना समझने के लिए। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा, मान लो लाउडनेस अगर टू है, एग्जांपल है लाउडनेस टू है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, लाउडनेस अगर दो है तो ये चार, सिंपल, लाउडनेस अगर तीन है तो ये तीन का स्क्वायर है, मतलब लाउडनेस तीन तो ये नौ, लाउडनेस चार तो एम्पलीट्यूड सोलह, लाउडनेस फाइव तो एम्पलीट्यूड 25, लाउडनेस फाइव तो एम्पलीट्यूड फाइव का स्क्वायर, यानी कि अगर फाइव है तो ये 25 उसका स्क्वायर, सिंपल, रफ कर देता हूं, समझ में आ गया, आना तो चाहिए यार, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस यही था। अब मैं बताऊं लाउडनेस की यूनिट, जैसे आलू का एक किलो था, प्याज का एक किलो था, फ्रीक्वेंसी का एक हर्ट्ज, H-E-R-T-Z, हर्ट्ज, H-Z, हर्ट्ज था, वैसे ही इसका, यहां लिखता हूं नीचे, ठीक है, नीचे एरो है, ये एरो, एरो है, ठीक है, डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी, क्या बोलते हैं इसको, यही है, इसको लिखो डीबी, लिखो डीबी, इसको बोलते हैं डेसीबेल, लाउडनेस की यूनिट क्या है, डेसीबेल, जैसे मैं अगर निकाल, साउंड है, जैसे मान लो दो, जैसे दो किलो आलू से दो डेसीबेल का साउंड, 80 किलो आलू 80 डेसीबेल का साउंड, ठीक है, क्लियर। अब मैं रफ करूंगा और तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूंगा लाउडनेस के बारे में, तो यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे हम नॉर्मल ब्रेथिंग का साउंड, लाउडनेस, सॉरी, नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मली जब छोड़ते हैं तो 10 डेसीबेल लाउडनेस है, एक डीबी, देखो डी स्मॉल है, बी कैपिटल, ये इसका सिंबल है, ये तुम्हें ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका लिखते हैं ऐसे डीबी डेसीबेल को, ठीक है। और अगर बिजी ट्रैफिक, पी पी बहुत ट्रैफिक है, तो उसका लाउडनेस 70 डेसीबेल, अगर एवरेज फैक्ट्री है, मतलब जहां पे आवाज ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, तो 80 डेसीबेल एवरेज फैक्ट्री, ठीक है। अब जब लाउडनेस 80 डेसीबल के ऊपर जाता है तो वो पेनफुल होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग से, हमारे लिए अगर हम वो सुनेंगे तो हमारे कान में दर्द होने लगेगा, तो इट बिकम्स पेनफुल व्हेन लाउडनेस इज अबव 80 डेसीबल। इस पॉइंट को लिख लो, मैं बोल रहा हूं, इफ लाउडनेस इज अबव 80 डेसीबल, लाउडनेस अबव 80 डेसीबल, लिखो, इसको तो लिख लिया होगा, पर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लाउडनेस अबव 80 डेसीबल इज पेनफुल टू आवर ईयर्स, ठीक है, इज पेनफुल फॉर अस, सिर्फ इतना लिख लो, काफी है,
है अब मैं आगे बढ़ता हूं। और क्या, तो हमने क्या देखा, लाउडनेस इज डायरेक्टली, मतलब लाउडनेस, चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, नहीं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऊपर की पावर, इसकी पावर 2, ये ध्यान रखना। तो जब लाउडनेस लार्ज होगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहां लिखता हूं, लाउडनेस डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड पे, सिंपल, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड, समझाने के लिए लिख लेना पूरा, एम्पलीट्यूड जब बड़ा होगा, लार्ज होगा, ये साइन है ऊपर, मतलब लार्ज एग्जाम्पल है, जब एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो लाउडनेस लार्ज होगा, बहुत ज्यादा होगा लाउडनेस, ठीक है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तब लाउडनेस मिलेगा, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, ठीक है, लाउड साउंड है। जब एम्पलीट्यूड कम, ये ए है, ए है, ये ए है, जब एम्पलीट्यूड कम, लाउडनेस कम नहीं, चलो कम बोल सकते हैं, इससे तो कम है, फीबल, क्योंकि फिर भी इसका स्क्वायर है ना, एम्पलीट्यूड को अगर स्क्वायर करेंगे, अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो ये 4 है, देख लो यहां पे इक्वल टू ही मान सकते हो, चलो यहां पे इक्वल टू मान लो समझने के लिए, है ना। अगर एम्पलीट्यूड 2 है, एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस इसका स्क्वायर होगा, लाउडनेस, तो लाउडनेस कितना हो गया, 4, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम नहीं है, फीबल है, ठीक है, सुन सकते हैं कान से, बर्दाश्त हो जाएगा, पेनफुल नहीं होगा उतना, ठीक है। तो अब मैं पिच की बात करूंगा आगे, पिच की, तो इसको एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है लाइन, तो चाहो तो ऐसे ऐसे लिख लो, लिखो लिखो लिखो, मैं बोलता हूं, ये दोनों, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, सिंपल है। सो अब एक पॉइंट बना के लिखो, व्हेन एम्पलीट्यूड इज लार्ज साउंड इज लाउड, लाउडनेस की बात कर रहा हूं, व्हेन एम्पलीट्यूड इज लार्ज, लिखो, व्हेन एम्पलीट्यूड इज लार्ज साउंड इज लाउड, लाउड साउंड, व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, छोटा एम्पलीट्यूड है तो साउंड इज फीबल, कम नहीं, फीबल, ठीक है, फीबल है, पेनफुल नहीं, मतलब फीबल है, ठीक है, सिंपल। इस इन दोनों लाइन को लिख लिया होगा, अगर मैं लिखा तो पीछे जाओ, स्लो करो, लिखो, और क्या। तो मैं अब पिच की ओर बढ़ता हूं, पिच नहीं, पिच। तो अब हम बात करते हैं पिच की। तो हमने देखा लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे, वैसे ही पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। मैं लाइन लिखता हूं तो उसको लिख लेना नोटबुक में, और कहाँ लिखोगे, ठीक है, किसी के दिल पे लिखना है क्या अपना नाम, ठीक है। तो दी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस, मतलब तय करता है, डिटरमाइंस दी पिचनेस, पिचनेस, और लिख लो एक बार, श्रिलनेस, इसको मतलब आगे जान जाओगे, आगे जानना ये सब मतलब, अभी लिख लो एक बार, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस दी पिचनेस और श्रिलनेस ऑफ अ साउंड, इसका साउंड की बात हो रही है, इसको लिख लो, फिर बताता हूं आगे इसका मतलब क्या है, लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। खैरियत जान ले मेरी तू मेरे भाई, मैं खैर से हूं, क्या तू भी है खैरियत से, तो खैरियत सॉन्ग बहुत मस्त लगा मुझे, तो मैंने उसको सोचा क्यों ना याद कर लिया जाए, कर लिया, तुम ही कर लो। तो हमने देखा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिचनेस, तो फ्रीक्वेंसी सिंपल है, उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, मतलब स्मॉल एफ, अगर बड़ा है फ्रीक्वेंसी, बड़ा है तो साउंड का पिच ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, साउंड इज श्रिल, बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा, तेरा भाई है इधर, है ना, भाई हूं मैं और कुछ नहीं हूं, ठीक है। तो श्रिल मतलब आगे देखो, अगर फ्रीक्वेंसी लो है, छोटी है, तो पिच भी कम होगा, अगर साउंड का पिच कम है, इसका मतलब साउंड है ना सॉफ्ट है कानों में, अरे यार सॉफ्टनेस की बात हो गई है,
सॉफ्ट है, साउंड इज सॉफ्ट। अगर फ्रीक्वेंसी स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यार पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी साउंड का ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट, अगर मैं अपनी बंदी से दिन में 50 बार मिल रहा हूं तो मेरा पिच भी ज्यादा है, पिच इसको साउंड के टर्म्स में समझो, इसको पिच बोलते हैं साउंड में। तो मैं अगर बहुत ज्यादा मिल रहा हूं मतलब मेरा पिच ज्यादा है और मैं श्रिल हूं, अगर मैं साउंड हूं तो मैं श्रिल हूं, ठीक है, मैं साउंड हूं, मैं मिल रहा हूं अपनी साउंड से, है ना। अगर मैं बहुत कम मिलता हूं, 5 बार ही मिलता हूं मतलब कम ही है, 50 से तो कम है, तो मेरा पिच कम है, मैं साउंड हूं, मैं अपनी साउंड से मिल रहा हूं। तो मेरा अगर फ्रीक्वेंसी कम है, मैं कम मिल रहा हूं तो मेरा पिच कम है, तो मैं सॉफ्ट हूं, ठीक है, सॉफ्ट हूं। इसको लिख लो, इसको अगर चाहो तो लिखो, इफ फ्रीक्वेंसी इज लार्ज देन पिच इज लार्ज, इसका मतलब इट मीन्स साउंड इज श्रिल। इफ फ्रीक्वेंसी इज लो देन पिच इज लो देन साउंड इज सॉफ्ट। सेंटेंस वैसे लिख सकते हैं, ये तो मतलब शॉर्टकट तुम्हें समझाने के लिए बता दिया ना। इसका मतलब ऊपर की ओर एरो मतलब लार्ज है, ज्यादा है, नीचे की ओर एरो मतलब कम है, लो है, सिंपल सिंपल। अपनी नोटबुक में लिखो, अपना लिखोगे, अरे यार हम तो अपना नाम किसी के दिल पे लिखेंगे, उसकी भी बारी आएगी, अभी तो नोटबुक में लिखना पड़ेगा, और कहाँ लिखोगे। चलो इसको बनाओ, मैं थोड़ा डिजाइन बना रहा हूँ कि तुम्हें दिख जाए क्लियरली ऊपर नीचे वाला एरो, ठीक है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है तै मेरा होना तुम्हें। देखो फ्रीक्वेंस, देखो यार जो साउंड है ना, साउंड कैसे होता है, साउंड एक वेव के जैसा है, ऐसे 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 साउंड ऐसे ट्रैवल करता है मेरे मुंह से निकल के, चलो किसी का माउथ, माउथ से निकल के किसी के ईयर तक पहुंचने में ऐसे ट्रैवल करता है, सिंपल, समझ गए। इसको रफ कर रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था यार, और कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा, तो मैंने अभी जो लिखा उसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये समझा रहा हूं क्या है, ये बस देखो देखो और देखो बस, बस बनाना नहीं है तुम्हें, चाहो तो बना लेना, जरूरत नहीं है। लेकिन अब देख रहे हो तुम यहां पे बहुत ज्यादा ही वो है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इतने ही गैप में। देखो ये मार्कर, दो मार्कर का गैप है, यहाँ पे दो मार्कर से ज्यादा का गैप है, लेकिन यहाँ पे दो मार्कर के गैप में ही 1 2 3 चौथा भी ले लो 4 है, और यहाँ पे दो मार्कर से भी ज्यादा के गैप में 1 2 2 भी पूरा नहीं हुआ है, देख रहे हो। मतलब इसका, इस ग्राफ का इसका मतलब है, यहाँ पे ये गैप है बीच का, ठीक है, ये गैप है बीच का, गैप है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कम है, देख रहे हो कम लाइन है ऊपर नीचे वाला। तो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहां पिच ज्यादा होगी, और यहां फ्रीक्वेंसी लो है, देख रहे हो ना तुम, उस यही फ्रीक्वेंसी है, कितने बार ऊपर नीचे, मैं कितने बार मिल रहा हूं, ये 1 बार मिल गया, 2 बार मिल गया, दिन में 3 बार 4 बार, यहां पे 1 बार 2 बार भी ठीक से नहीं मिला, बाय बोल के चला आया। यही बता रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम, क्लियर क्लियर। बना लो और लिख लेना नीचे, यहां पे लिख लो फ्रीक्वेंसी, पूरा लिखना तुम, पूरा लिखना, फ्रीक्वेंसी लो, पिच लो, साउंड सॉफ्ट, यहां पे उसका उल्टा, फ्रीक्वेंसी तुम साफ से लिखना, लार्ज, पिच लार्ज नहीं हाई लिखो, फ्रीक्वेंसी हाई, पिच हाई, साउंड श्रिल, समझ गए ना, सब समझ गए होगे अभी तक तो। चलो अब मैं तुम्हें एग्जांपल्स देता हूँ, और क्या, देखो जब स्कूल का जो पीटी होता है तो ड्रम बजना ठों ठों ठों, तो उस ड्रम की फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है, मतलब उसका पिच लो है और वो सॉफ्ट है। अब तुम्हें लग रहा होगा सॉफ्ट क्या है, अब मैं एग्जांपल
दूसरा एग्जाम्पल लो, अब जो सीटी बजती है फुटबॉल मैच देखते हो तो उसमें ही बजती है, और या फिर मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, सिंपल ये बात है मेरी, मेरी बात ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है सीटी की, विशल की। अच्छा मेरे नाल तो विशल बजा और क्या, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है ठीक है, इसका मतलब उसका पिच हाई है और साउंड सुरीला है, देखते हो कान में कितना भयंकर लगता है यार। तो उससे भयंकर बजती है, सीटी का साउंड सुरील है, कान में बहुत भयंकर चुभता है, और ड्रम का साउंड सॉफ्ट है उतना, मतलब इससे तो सॉफ्ट है, ड्रम का साउंड सॉफ्ट है, कान में चुभता नहीं है, मतलब सॉफ्ट है सिंपल। प्यार से कोई बोलने थोड़ी आएगी कि इसको सॉफ्ट बोलोगे ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बात करते हैं। तो ये पॉइंट लिखो, आखिरी पॉइंट, द वॉइस ऑफ अ वुमन, वुमन, रुको 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 रुको, द वॉइस ऑफ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी ठीक है, एंड इज श्रिलर देन देन मैन। जो औरतों की आवाज होती है ना थोड़ी श्रील होती है, उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पिच ज्यादा है सिंपल, और मैन का पिच कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, पिच कम है, तो उनका साउंड थोड़ा सॉफ्ट। मैंने पहले ही बताया सॉफ्ट मतलब ये नहीं, सॉफ्ट का मतलब क्या है, कान में चुभता नहीं, सिंपल 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 सिंपल, बुरा मत मान जाना प्लीज औरतों ठीक है, वुमेन्स नॉट गर्ल्स ठीक है, गर्ल्स बुरा मत मानना, भाव देती रहना ठीक है। तो हम अब अगले आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में, कि ये लंबा ना हो जाए, और नोट्स को अच्छे से बनाया करो, और पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, वहां से देख लेना, लेकिन देख लेना उसको, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। चलो